एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ एकता एंड आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पर्पल मेकअप हॉल। उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता दूँ, पर्पल पे जो रिपब्लिक डे सेल चल रहा था, जिसमें मैंने आप लोगों को बहुत सारी वीडियोज बताई हैं कि कैसे आपने शॉपिंग करनी है, कैसे आपको परचेज करना है। इससे पहले भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था पर्पल हॉल, एंड वो रिपब्लिक डे सेल था जिसमें डिफरेंट प्रोडक्ट पे आपको बहुत ही अच्छा सेल मिल रहा था। तो मैंने कुछ प्रोडक्ट परचेज किए हैं एंड मैंने क्या क्या चीजें परचेज किया, आज मैं उस प्रोडक्ट का हॉल शेयर करने वाली हूँ। एंड अभी भी दिस टाइम पर्पल पे चल रहा है ब्लो आउट ब्यूटी सेल, आई थिंक यही नेम है। एंड ये 23 से 26 जून तक अभी अवेलेबल है वहाँ पे। सो अभी भी आप लेना चाहते हो कोई प्रोडक्ट वहाँ से परचेज कर लेना। बट जो प्रोडक्ट मैंने परचेज किए हैं वो बहुत ही अफोर्डेबल रेंज के थे, एंड मेरे दिमाग में बस एक ही चीज चल रहा था कि जितने प्रोडक्ट मैं परचेज करूँ वो इतने कम रेंज के हो कि टीनेज गर्ल भी उसको परचेज कर पाए। एंड सारे मेकअप के प्रोडक्ट है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल पे अभी तक न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ के बेल आइकन को प्रेस करेंगे न्यू अपडेट के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, मैंने जो प्रोडक्ट परचेज किए थे वो सारे प्रोडक्ट के रेंज अभी आपको थोड़ा सा हाई जाने वाला है, क्योंकि जो सेल था रिपब्लिक डे का वो 19 जून तक था, एंड उस टाइम काफ़ी अच्छे रेंज में था। ज़्यादातर प्रोडक्ट मेरे ब्लू हेवन के हैं, एंड ब्लू हेवन के कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो मुझे काफ़ी पसंद आया है। सो वो सारे प्रोडक्ट मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सो पहले मैं बता देती हूँ गाइज, इसके रेंज आपको थोड़ा सा हाई भी जा सकता है क्योंकि अभी अप एंड डाउन वहाँ पर चल रहा है। सो मतलब बाद में आप चाहो तो इसको परचेज कर सकते हो, एंड इसके रेंज हो सकता है बाद में भी डाउन जाने वाला है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं एंड दिखाते हैं मैंने क्या क्या चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करनी है। तो पहले तो आप देख लो, इस तरीके के दो बॉक्स में मुझे रिसीव हुआ पर्पल से। सो फर्स्ट मैं ये वाले बॉक्स से शेयर करूँगी क्या क्या चीज़ें हैं जो। सो फर्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है ब्लू हेवन का ये मस्कारा, जो कि है ब्लू हेवन लेस ट्विस्ट कर्लिंग मस्कारा, एंड इसका रेंज आपको मिलेगा 125 के रेंज में। यहाँ पे मेंशन किया हुआ है बट मुझे ये बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में मिल गया। इसका रेंज मैं यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कर दूंगी, एंड आई थिंक ये 60 या 65 के रेंज में ही मुझे रिसीव हुआ था, और बहुत ही अमेजिंग सा है, वाटर प्रूफ है एंड नो क्लम्बिंग है, लाइट वेट फॉर्मूला है। पैकिंग आप देख सकते हो, इस तरीके का ब्लू हिस्सा इसका कवर है। इसका अलग से रिव्यू मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, एंड ये देखना है मुझे किस तरीके का, क्योंकि इस तरीके के प्रोडक्ट मैंने पहले कभी भी यूज़ नहीं किए थे। तो फर्स्ट प्रोडक्ट है ये मस्कारा, मुझे जैसा मैंने सोच के लिया आई थिंक उसी तरीके का हो, क्योंकि ये थोड़ा स्टे करे थोड़े आपके लैसेस पे, एंड वाटर में जाने पे भी ये काफ़ी दिनों मतलब काफ़ी देर तक आपके आई पे अप्लाई रहे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वाटर प्रूफ होते हैं बट जब भी आप वाटर अप्लाई करते हो तो वो निकल जाता है। सो सेकेंड जो प्रोडक्ट है वो अगेन ब्लू हेवन का ये कंसीलर, कुछ इस तरीके की पैकिंग में है, एंड इन दिस सीड इसका आपको मैं यहाँ पे शेयर कर दूंगी। अप टू 12 आवर ये स्टे करके रखता है आपके मेकअप को, एंड वाटर प्रूफ है, लाइट वेट है, इसका जो शेड है बहुत ज़्यादा लाइट है। इसमें आपको डिफरेंट शेड मिलेंगे, सो यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है कैसे आपको अप्लाई करना है। इसका नाम है फ्लॉलेस लिक्विड कंसीलर, जो कि मैं अंदर से पैकिंग दिखा देती हूँ आप लोगों को किस तरीके का। तो कुछ इस तरीके की आपको ट्यूब टाइप की पैकिंग मिलेगी, बट इसमें आपको एप्लीकेटर मिलता है, एंड ब्लू हेवन लिक्विड कंसीलर फुल कवरेज देता है एंड सुपर ब्लेंडेबल है, बहुत ही अच्छा ब्लेंड करेगा। इसको आप एप्लीकेटर से यूज कर सकते हो। सो सेकेंड जो मैंने लिया है वो ये प्रोडक्ट है, इसका रेंज आपको 150 के रेंज में आपको मिलेगा। इसका जो रेंज मुझे पड़ा है वो भी बहुत ज़्यादा कम पड़ा है, एंड 70 या 75 के रेंज में। मैं सारी चीज़ों का लिंक आपको दे दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो अगर लेने में आप इंटरेस्टेड हो, इनके साथ लेना चाहते हो तो वहाँ से जाके चेकआउट कर लेना। बट ये रेंज अभी हो सकता है इसका हाई हो गया हो क्योंकि उस टाइम सेल चल रहा था। सो सेकेंड परचेज मेरा ये है, एंड सारी चीज़ों का सेड आपको सब कुछ यहाँ पर डिटेल शेयर हो जाएंगी। देन अगेन जो मैंने परचेज किया था वो है स्विस ब्यूटी लिक्विड कंसीलर। इससे पहले मैंने इसका सेड नंबर 01 आप लोगों के साथ शेयर किया था, ये है सेड नंबर 02, और ये भी आप चाहो तो यूज कर सकते हो क्योंकि इसके बहुत सारे रिक्वेस्ट आए थे सेड नंबर 02 के रिव्यू शेयर करने को। सो इसका रिव्यू मैं इसको अप्लाई करने के बाद आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। ये कवरेज करता है ब्लिम्सेस एंड वन स्ट्रोक में आपके जितने भी ब्लिम्सेस है उसको ये कवर कर देगा। डार्क सर्कल्स वगैरह की प्रॉब्लम है तो उसको ये कवर कर देगा। तो कुछ इस तरीके की पैकिंग है। इसका जो रेंज है वो भी आपको थोड़ा सा इसका रेंज हाई जाएगा, एंड 199 के रेंज में आपको मिलता है, बट इस टाइम पता नहीं कितने रेंज का है क्योंकि अभी भी बहुत सारे प्रोडक्ट पे सेल चल रहे हैं। देन अगेन जो परचेज किया है मैंने वो है गुड वाइब्स का एक्टिवेटेड चारकोल पील ऑफ मास्क।
ये वाला पहले भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। जिन जिन चीज़ों का प्रोडक्ट मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया उसका रिव्यू भी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। सो इन प्रोडक्ट की रिव्यू आप देखना चाहते हो उसका भी लिंक मैं शेयर कर दूंगी। एंड ये बहुत ही अच्छा पील ऑफ मास्क है, ये आपके जो फेशियल हेयर होते हैं उसको ये रिमूव करता है। एंड डेफिनेटली मैं ये बोल सकती हूँ कि आपको मैंने बैक कैमरे से दिखाया था कि कैसे आपके छोटे छोटे फेशियल हेयर को इसने रिमूव किया था। सो आप इसको परचेज कर सकते हो। और चारकोल जो होता है वो ऐसे भी आपको पता है कि आपके जितने भी फेस पे डॉट्स होते हैं ना उसको रिमूव करने में हेल्प करता है। सो आपके फेशियल हेयर को रिमूव करेगा। एंड इसमें नो पैराबेन, नो सल्फेट एंड क्रुएल्टी फ्री होती है। गुड वाइब्स के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उसमें आपको सल्फेट नहीं मिलता है, मिनरल ऑयल इसमें भी नहीं है एंड क्रुएल्टी फ्री होती है। सो ये वाली पैकिंग भी आप चाहो तो परचेज कर सकते हो। एंड इसमें आपको 2 ईयर का सेल्फ लाइफ प्रोवाइड होता है। प्राइस आपको मिलेगा 249 के रेंज में आपको मिलता है, बट ये अभी सेल में चल रहा है तो इसका रेंज आपको थोड़ा सा कम मिल जाएगा। सो ये मेरा सेकेंड परचेज, सॉरी थर्ड फोर्थ परचेज है मेरा। एंड उसके बाद जो मैंने लिया है वो है ब्लू हेवन का ये फाउंडेशन, वाटरप्रूफ मेकअप फाउंडेशन विथ SPF। SPF के साथ आपको मिलता है, अलग से आपको SPF वाले जो होते हैं ना सनस्क्रीन वो अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। विंटर में अभी ऐसे भी आपको सनस्क्रीन आप यूज़ नहीं करते हो, बट समर के टाइम में भी आप जब इसको अप्लाई करते हो अलग से आपको सनस्क्रीन की यूज़ नहीं करना पड़ेगा। एंड ये बहुत ही अच्छा स्टे करता है, थोड़ा सा लिक्विडी आपको ज़्यादा कवरेज नहीं देता है, बट हाँ ये डेली वे में आप यूज़ करना चाहते हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसका भी रिव्यू मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था। ये है नेचुरल शेड, इसमें आपको 2 शेड शायद और मिलते हैं एंड ये नेचुरल शेड है यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ये भी आपको रेंज काफ़ी अच्छे में मिल जाएगा। एंड ये थिंक अभी अगर आप लेना चाहते हो तो 75 में मिलेगा आपको, बट जब मैंने इसको परचेज किया तो 60 के रेंज में यह फाउंडेशन मिला था और इसमें बहुत ज्यादा क्वांटिटी है। सो डेली वे में अगर आप यूज करते हो तो रेगुलर वे में भी ये चल जाएगा, फिर भी हाफ मंथ आप इसको इजिली यूज कर सकते हो, 1 पर्सन इसको इजिली हाफ मंथ कर सकते हैं। सो देन उसके बाद जो मैंने परचेज किया है वो है एल्फ्स गुडनेस का सैंडलवुड फेस वॉश। ये मैंने फर्स्ट टाइम यूज करना है, इसको मैंने पहले कभी यूज नहीं किया था। और ये फेस वॉश है, ये आपके स्किन को साथ ग्लो तो देता है, साथ ही साथ आपके स्किन पे अगर एक्ने की प्रॉब्लम है तो इसको दूर करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। एंड इसका जो नेट वॉल्यूम है वो है 100 ml। इसकी पैकिंग मैं आप लोगों को सॉर्ट करा देती हूँ, इस तरीके की आपको पैकिंग मिलेगी। एंड सैंडलवुड जो प्रोडक्ट होते हैं सैंडलवुड के, वो आपको पता है स्किन के लिए कितना अच्छा होता है। सो इसको भी आप परचेज कर सकते हो। एंड ये एल्फ्स गुडनेस के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो आपको काफ़ी अच्छा केमिकल फ्री प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं। इसके मैंने फेस वॉश भी यूज़ किए हैं, जो फेस वॉश मैंने आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर किया था मुझे काफ़ी पसंद आया, क्योंकि उससे मेरे स्किन पर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आई है एंड किसी भी तरीके की मेरे स्किन पे पिंपल्स वगैरह जो हो जाते हैं फेस वॉश को यूज़ करने पे वो नहीं आया। सो इसमें भी आपको सेल्फ लाइफ मिलेगा 2 ईयर का, आई थिंक हाँ 2 ईयर का आपको सेल्फ लाइफ प्रोवाइड होता है। 99 के रेंज में अवेलेबल है एंड ये मुझे और भी कम रेंज में मिल गया था। सो जनरली भी आप इसको यूज़ करते हो तो अंडर 100 रुपये में आपको ये प्रोडक्ट प्रोवाइडेड है। सो आप ले सकते हो। एल्फ गुडनेस के प्रोडक्ट जितने भी होते हैं बहुत ही अफोर्डेबल है। देन उसके बाद अगेन जो प्रोडक्ट है ब्लू हेवन का, ये आईलाइनर, जो मस्करा मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था उसी का सेट है ये आईलाइनर। एंड इसकी भी पैकिंग कुछ इस तरीके की आपको मिलेगी और ये भी मुझे मिला था 62 के रेंज में। ये टीनेज गर्ल या फिर आप चाहते हो अफोर्डेबल यूज़ करना कोई प्रोडक्ट, ब्लू हेवन के प्रोडक्ट आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ब्लू हेवन बहुत ऐसे प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है जिसका रेंज काफ़ी ज़्यादा कम है एंड आपके स्किन पे काफ़ी अच्छा वर्क करता है एंड काफ़ी अच्छा स्टे करता है आपके मेकअप को। सो आप इसको भी परचेज कर सकते हो। ये है ब्लू हेवन मैटे वॉक आईलाइनर, वाटर प्रूफ है, रब प्रूफ है, अल्ट्रा ब्लैक एंड क्विक ड्राइंग, बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है एंड लॉन्ग वियर है, बहुत टाइम तक यूज़ कर सकते हो। सो पहले तो हम इसको अप्लाई करके देखेंगे कि सच में ये लॉन्ग वियर है, कितने टाइम तक आपके आई पे अप्लाई होके रहता है, तो इसका अलग से आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर हो जाएगा एंड इस तरीके की आपको पैकिंग मिलेगी। इसका जो रेंज यहाँ पे मेंशन किया हुआ है वो है 75, बट ये मुझे मिल गया था आई थिंक 62 के रेंज में। सारा रेंज आपको मैं शेयर कर दूंगी। एंड ये वाले बॉक्स में बस इतना ही था। सेकेंड जो बॉक्स है उसमें क्या क्या चीज़ें मैंने ली हैं, सो फर्स्ट जो चीज़ है वो है विंटर के लिए काफ़ी अच्छा रोज हिप सीरम। इसका 4th पैकिंग मैंने यूज़ करना है अभी, इससे पहले मैंने 3 पैक यूज़ कर चुकी हूँ और वो बहुत ही अच्छा है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है
तो आप ये रोज हिप सीरम यूज कर सकते हो। एंड पहले भी मैंने आप लोगों को बोला कि वो विंटर के लिए काफी अच्छा है, समर में ये उतना अच्छा वर्क नहीं करता है क्योंकि आपकी स्किन को थोड़ा सा ऑयली सब फील करवाता है, तो समर में आपकी स्किन वैसे भी बहुत ज्यादा चिपचिपापन होता है आपकी स्किन पे। सो आप विंटर के सीजन में इसको अप्लाई कर सकते हो, बिफोर मेकअप भी आप यूज कर सकते हो, नाइट के टाइम में अपने स्किन केयर में भी यूज कर सकते हो। सो ये भी मुझे बहुत पसंद है, इसका फ्रेग्रेंस बहुत अच्छा है, ये थोड़ा सा हाई रेंज का जाता है बट डिस्टेंस सेल में आपको काफी अच्छे रेंज में मिल जाएगा। सो ये रेंज यहाँ पे मेंशन 215, बट ये कभी 215 में मैंने परचेज नहीं किया, बहुत ही अच्छे अच्छे सेल आपको चलते हैं पर्पल पे। सो पर्पल पे जाके आप सेल में परचेज करते हो तो काफी अच्छा डिस्काउंट भी मिलेगा। एंड एक और चीज मैं बोलूंगी, अगर आप मेरे कोड के थ्रू purple.com को डाउनलोड करते हो तो आपको काफी अच्छा डिस्काउंट मिलेगा, तो या फिर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना चाहते हो तो आप वहां से भी जाके चेकआउट कर लेना। देन जो सेकेंड है इसकी मैं बात करूंगी गाइज, ये लिपस्टिक आप कलर देख लो, ये पूरा रेड, मतलब पूरा रेड नहीं है, हल्का सा ऑरेंज सा शेड है इसमें, बट ये ब्लू हेवन ने बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट अभी आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया है जो कि ओनली मुझे मिला है 63 में। एंड जैसा ये वर्क कर रहा है, इसका रेंज वैसे अभी हाई हो चुका है, 105 के रेंज में अभी आपको मिलेगा, बट ये बहुत ही अच्छा आपके लिप पे अप्लाई होता है। अभी आप जो मेरे लिप पे शेड देख रहे हो कुछ इस तरीके का आपको अप्लाई होगा, बिल्कुल भी ड्राई नहीं होता है एंड मॉइस्चर रहेगा हल्का सा आपके लिप पे। सो बहुत सारे मैट लिपस्टिक जो होते हैं ना आप अप्लाई करते हो उसके बाद ये बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है, उस तरीके का नहीं है। एंड इसके स्वेचेज मैं अभी आप लोगों को शो करवा देती हूँ, पैकिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, स्वेच आपको दिखाती हूँ। ये आप देखो, मतलब पूरा जो रेड हल्का ऑरेंज रेड जो आते हैं ना उस तरीके का है एंड मुझे काफ़ी अच्छा शेड लगा। एक चीज गलती हो गई, मैंने सोचा था कि ये जो प्रोडक्ट है ये अच्छा होगा नहीं होगा, इसलिए मैंने इसके और वाले शेड अप्लाई नहीं किए एंड मैंने परचेज नहीं किया, बट इसका रेंज अभी हाई हो गया है, मैं डिफरेंट जब सेल आएंगे उस टाइम डेफिनेटली इसको परचेज करूंगी। एंड अगर आप लेना चाहते हो अभी भी तो आप इसको ट्रस्ट मी ले सकते हो क्योंकि ये बहुत ही अमेजिंग सी लिपस्टिक है। एंड अभी आप देख सकते हो मेरे लिप पे एक स्वाइप में ही बहुत ही अच्छे से आपके लिप पे अप्लाई हो जाएगा एंड यहाँ पे आप देख सकते हो उसका कलर। सो आई थिंक आपको ये परचेज करना चाहिए एंड 2 ईयर का इसमें आपको सेल्फ लाइफ भी प्रोवाइड हो रहा है। यहाँ पे जो रेंज है वो 105 है, सेल में रिपब्लिक डे सेल चल रहा था, मैंने बहुत लोगों को बोला था कि अगर आप कुछ भी लेना चाहते हो तो अभी जाके ले लो क्योंकि हर एक प्रोडक्ट का जो रेंज था वो हाफ हो गया था। एंड नेक्स्ट टाइम भी इस तरीके के पर्पल पे सेल चलेंगे, उस टाइम आप चाहो तो परचेज कर लेना। ये बहुत ही अमेजिंग सा शेड है, इसमें आपको न्यूड शेड मिलेंगे, ऑरेंज सा शेड मिलता है एंड जो पिंकिश शेड आते हैं ना वो आपको मिलेंगे, ये रेड शेड मिलेंगे, डिफरेंट शेड है ब्लू हेवन ने प्रोवाइड किए हुए। आप जो भी लेना चाहते हो लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से चेकआउट कर लेना एंड वहां पर रेटिंग रिव्यू भी काफी अच्छी है। सो मेरे कहने पर नहीं, वहां पर रेटिंग पर जाके भी आप चेकआउट कर सकते हो, बहुत सारे लोगों को ये प्रोडक्ट अच्छा लगा है। सो ये थी उसके बाद परचेज। एंड देन जो मिलावशा का मैंने मस्कर आप लोगों के साथ शेयर किया था, ये काफ़ी स्टे करता है बहुत टाइम तक एंड बहुत ही अच्छा मुझे लगता है क्योंकि ये जो आपके रियल लैसेस होते हैं उसको भी काफ़ी अच्छे से शो आउट करता है, आपके आई को पॉप आउट कर देता है। सो मैं इसको अगेन मैंने परचेज किया है एंड इसका भी रेंज बहुत कम था, इस पर वन प्रोडक्ट फ्री का ऑफर चल रहा था, सो मैंने इसको परचेज किया है। इसमें भी आपको 3 ईयर की सेल्फ लाइफ प्रोवाइड होती है एंड पैकिंग मैंने पहले भी आप लोगों को शेयर कर दिया था, इसका रिव्यू भी मैंने शेयर कर दिया एक टाइम, और ये देख लो आप इसका पैकिंग कुछ इस तरीके की आपको पैकिंग मिलेगी, पूरा ब्लैक शेड। इसका जो एप्लीकेटर है सो इतना आपको लेंथ का मिलेगा एंड बहुत ही ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा ये स्टे करता है आपके लैसेस पे। सो आप देख सकते हो मैंने जो लोअर लैसेस पे अप्लाई किया था इसी मस्करा से अप्लाई किया है, अभी आप देख सकते हो कितना ज़्यादा पॉप आउट कर रहा है मेरी आई। सो आप चाहो तो इसे भी परचेज कर सकते हो। सो ये थी मेरी अगेन जो नेक्स्ट परचिंग मैंने की है, वो मैंने लिया है एक जो इसकी रिव्यू मैंने जस्ट अभी आप लोगों के साथ शेयर किया, ये मैंने कुछ दिन पहले लिया था बट ये मैंने पर्पल से ही लिया था, एनवाइवे का आईलाइनर 6 ml की क्वांटिटी एंड ये अफोर्डेबल है, ओनली 63 के रेंज में मुझे मिला था। और इसका कंपेयर अगर मैं करूँ लैक्मे का जो इंस्टा आईलाइनर जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, दोनों सेम वर्क कर रहे हैं बट उसका जो रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है एंड इसकी क्वांटिटी 6 ml है तो काफ़ी दिनों तक आप इसको यूज़ कर सकते हो। और इसकी मैंने फुल डिटेल्स रिव्यू अभी आप लोगों के साथ शेयर की है, अगर आप देखना चाहते हो तो वहाँ से भी देख के आप चेकआउट कर लेना। एंड ये कलर पूरा ब्लैक है,
बहुत ही डार्क सा शेड है एंड इसका जो एप्लीकेटर है वो काफी थिन है, सो इससे अप्लाई करने काफी इजी हो जाता है एंड काफी छोटू सा पैकिंग है तो काफी कंफर्टेबल है एंड ट्रैवल फ्रेंडली है, सो आप इसको भी परचेज कर सकते हो। सो गाइज या ये थी मेरी आज की हॉल वीडियो एंड इतने सारे प्रोडक्ट मैंने पर्पल से लिए हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। इन सारी चीज़ों में से आपको जो भी लेना है आप वहाँ से चेकआउट कर लेना एंड सारे प्रोडक्ट बहुत ही अफोर्डेबल है, सो कोई भी इसको परचेज कर सकता है। जो लिंक है मैं शेयर कर दूंगी। इसका वीडियो थोड़े दिन पहले मैंने सोचा था आप लोगों के साथ शेयर करने का, बट ये प्रोडक्ट मुझे बाद में प्रोवाइडेड हुए हैं जिसकी वजह से मैंने ये वीडियो सेल के बाद आप लोगों के साथ शेयर किया। सो उसके लिए आई एम सो सॉरी। हो सकता है कि आपको ये सारे प्रोडक्ट इसी रेंज में नेक्स्ट सेल में प्रोवाइड हो जाए, सो आप जाके एक बार चेकआउट कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो यूजफुल लगती है, इंटरेस्टिंग लगती है, हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक करना। मिलूंगी फिर से इस टाइप की नई वीडियो के साथ नेक्स्ट हॉल में। तब तक के लिए बाय बाय।